दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नैक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। रियलमी GT Neo 3 चाइना में लॉन्च हो गया है, इंडिया में लोग वेट कर रहे थे एंड ये एक्चुअली OnePlus 10R बन के भी इंडिया आ रहा है। पहले ऐसा लगा था कि रियलमी GT Neo 3 पहले आएगा, पॉसिबली अप्रैल मई में एंड जून तक आपको OnePlus 10R देखने को मिलेगा, लेकिन अप्रैल के ही मंथ में आपको OnePlus 10R आएगा, उसके बाद रियलमी GT Neo 3 आएगा। इसका लॉन्च डेट रिवील हो गया है, ऑफिशियल तो नहीं कहूंगा लेकिन अभिषेक यादव जो कि एक टिप्स्टर है आपको पता है, उन्होंने ट्वीट करके बता दिया है लैंडिंग पेज के साथ, टीजर जो आता है उसके साथ, माइक्रोसाइट जो होता है उसके साथ बता दिया है कि ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है 5 मई को, 5 मई को। रियलमी GT 2 प्रो तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, GT 2 भी आएगा उसी दिन एंड उसके साथ साथ रियलमी GT Neo 3 भी आपको 5 मई को इंडिया में देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन आएंगे, लेट्स सी किस प्राइस पे लेकर आते हैं। जैसे ही आएगा प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन बता दूंगा। वैसे स्पेसिफिकेशन इसमें दो वेरिएंट आते हैं, चार्जिंग और बैटरी से रिलेटेड, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। 6.7 इंच का आपको 120 हर्ट्ज का एमोलेड का पैनल मिलता है, 1300 निट्स की ब्राइटनेस है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों साइड पे है एंड पंचोल के साथ है, देखने में अच्छा लगता है। रियर साइड पे देखोगे तो आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, देखने में सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Dimensity 8100 का चिपसेट है जो कि स्नैपड्रैगन 888 से आप कंपेयर कर सकते हो, 8 लाख के ऊपर स्कोर आ जाता है एंड गेमिंग ग्राफिक्स सब तगड़ी कर पाओगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे, यानी परफॉर्मेंस का लेवल तगड़ा है। चलिए Android 12 के ऊपर आएगा जो कि Realme UI 3.2 के साथ आने वाले, तो थोड़े से ब्लोटवेयर्स रहेंगे लेकिन आप डिलीट कर पाओगे, वहां पे भी कोई इश्यूज नहीं आएगा, परफॉर्मेंस का सेगमेंट तगड़ा होने वाला है। कैमरा की बात करोगे रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा है, 50+8+2 मेगापिक्सल का, 50 मेगापिक्सल आपको Sony IMX 766 वाला सेंसर रहेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, इसके साथ साथ आपको OIS का भी सपोर्ट मिलेगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेंसर रहेगा, वहां से 1080 और रियर साइड से 4K आप कर पाओगे। बैटरी सेगमेंट के दो वेरिएंट्स हैं, 4500 mAh की बैटरी आती है जो कि 150 वाट के चार्जर के साथ आती है और दूसरी थोड़ी बड़ी बैटरी है 5000 mAh की जो कि 80 वाट के चार्जर के साथ आती है। मुझे 5000 mAh वाली और 80 वाट वाला ज्यादा थोड़ा लॉजिकल लगा, चलिए अच्छी बात है क्योंकि रिसेंट में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 150 वाला जो है वो काफी हीट करता है, तो अच्छी बात है, चलिए दोनों आएंगे। इसके साथ साथ अगर आप सेंसर्स की बात करोगे, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, आपको स्टीरियो स्पीकर्स एंड जितनी भी चीजें हैं, एक्सेलेरोमीटर, हेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर सब मिल जाएंगी। हाँ, ये चीज रहेगा कि 3.5 mm जैक नहीं रहेगा, बाकी इसके अलावा जितने भी सेंसर्स आते हैं वो सारे मिल जाएंगे, उसमें कोई इश्यूज आपको आने वाले नहीं। सेंसर्स डिपार्टमेंट भरा पूरा रहेगा, कार्ड स्लॉट नहीं रहेगा यानी एक्सपांड नहीं कर पाओगे। बेस वेरियंट जो 80 वैट वाला है 5000 mAh की बैटरी के साथ, वो 6GB 128GB और 8GB 128GB में आएगा एंड जो बड़ा वाला है 150 वाला, वो 8GB 256GB और 12GB 256GB में आएगा। बेस वेरियंट 6GB 128GB वाला कहा जा रहा है कि आपको 28,000 से 30,000 के आसपास पॉसिबली इंडिया में लॉन्च हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं किस प्राइस पे लेके आती हैं, जैसे भी और इन्फॉर्मेशन पता चलेगा आपको बता दूंगा, लेकिन कहा जा रहा है कि यही मतलब स्पेसिफिकेशन तो ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो जाएगा, स्पेसिफिकेशन तो वही रहेंगे, प्राइसिंग आपको 27,000-28,000 से आपको जो 6GB 128GB वाला 80 वैट वाला है वो चालू हो सकता है, जो 150 वैट वाला है ये आपको 34,000-35,000 के आसपास इंडिया में देखने को मिल जाएगा। लॉन्च होगा कहा जा रहा है रियलमी GT 2 के साथ 5 मई को, लेट्स सी देखते हैं लेकर आते हैं कि नहीं, जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलते रहेंगे आपको बताते रहूंगा। वेट करोगे नहीं इसका जरूर बता देना। और OnePlus 10R भी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है सारी चीजों के साथ, उसकी प्राइसिंग कही जा रही है 35,000 के आसपास होगी, देखते हैं उसको किस प्राइस पे लेके आती हैं। उसके तो इमेजेस भी आ गया, वो तो अभी अप्रैल में ही आने वाला है, एंड ऑफ अप्रैल तक। चलिए अच्छी बात है, वेट करोगे नहीं इनका जरूर बता देना कैसा लगा वीडियो, ये भी बता देना पसंद आया लगे शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना पसंद आया, अभी बहुत सारे वीडियोस भी चेक कर सकते हो, सपोर्ट भी कर सकते हो, कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो गड्ढे में जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सब कॉन्सेस मिलते आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, दोस्तों।